इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च नहीं हो पाई, यानी कि जिन गाड़ियों की लॉन्चिंग डेट आगे बढ़ा दी गई है कोरोना वायरस की वजह से, तो जानिए वो गाड़ी कौन कौन सी है। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। होंडा WRV फेसलिफ्ट। ये कार एक 5-सीटर SUV कार है। होंडा की इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने वाला था, पर कोरोना वायरस की वजह से होंडा ने इसका फेसलिफ्ट वर्जन को डिले कर दिया। इसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको थोड़ा चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट आपको थोड़ा अलग मिलेगा, शायद इंटीरियर को भी चेंज कर दिया जाएगा। ये कार डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलेगी। इसके अलावा गाड़ी में आपको CVT भी मिलेगा, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको CVT मिलेगा। WRV फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 8 से 10 लाख के बीच में। 2020 होंडा सिटी। ये कार 5-सीटर सेडान कार होगी। इस कार का काफ़ी लोगों को इंतजार था। होंडा ने कहा था ये गाड़ी हम सबको मई में देखने को मिल जाएगी शोरूम पर कोरोना वायरस की वजह से होंडा ने इसको भी डिले कर दिया। ये होंडा सिटी कार का 5th जनरेशन वर्जन होगी। इस कार को पूरा चेंज कर दिया गया है एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक। आपको इस गाड़ी में वही पुराना इंजन देखने को मिलेगा 1.5 लीटर वाला, लेकिन इस बार होंडा ने इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी दिया है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन होगा। होंडा सिटी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत होगी 10 से 15 लाख के बीच में। मारुति एसक्रॉस। ये 5-सीटर क्रॉसओवर गाड़ी होगी, लेकिन आपको पता है ये गाड़ी पहले डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती थी, जिसमें 1.3 लीटर डीजल इंजन मिलता था स्विफ्ट वाला, वही ब्रेजा वाला बिल्कुल सेम इंजन, लेकिन इस बार इसे पेट्रोल इंजन में बदल दिया गया है इस कार को। और गाड़ी में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, पर इस गाड़ी को लॉन्च करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मारुति ने इसको लॉन्च को डिले कर दिया। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर मिल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो आपको अल्टिगा में मिलता है। और इतना ही नहीं, मारुति इसमें अब कुछ नए फीचर्स भी देगी, और ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में भी मिलेगी इस बार, क्योंकि पहले सिर्फ मैनुअल में मिलती थी। और एसक्रॉस की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 8 से 15 लाख के बीच में। एस्कोडा कैरोक एक SUV कार है। इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, पर इसकी प्री बुकिंग ओपन कर दी गई थी पहले ही, और काफ़ी लोगों ने इसको बुक भी कर लिया था, पर इसको डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो गया टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। और ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलेगी इंडिया में। एस्कोडा कैरोक की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 20 लाख के आसपास की। हुंडई टुसोन फेसलिफ्ट। ये 5-सीटर SUV कार है। इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, पर इस कार को लॉन्च मार्च में करना था। कार की लॉन्चिंग को भी अब डिले कर दिया गया हालत देखकर, और इसका एक्सटीरियर में थोड़ा चेंजेस करा गया है और इंटीरियर में भी। इसके अलावा गाड़ी के इंजन आपको BS6 अपडेट के साथ मिलेंगे, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही मिलेगा। टुसोन की एक्सपेक्टेड कीमत होगी 19 से 26 लाख के बीच में। ये 5 गाड़ियां लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनको डिले कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। आपको इन कारों में कौन सी गाड़ी का इंतजार है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।